इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास 10 पेज है और आप सिर्फ पेज नंबर 2 को प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको पेज में पेज नंबर 2 लिखना है तो आपका सिर्फ पेज नंबर 2 ही प्रिंट होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप पेज नंबर 1 से 5 तक प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 1-5। जी हाँ, सिर्फ 1 से 5 तक के पेज ही ये प्रिंट करेगा। अगर आप पेज नंबर 7, 9 और 5, ये 3 पेज अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 5, 7, 9। इस तरीके से आप मल्टीपल पेज को प्रिंट कर सकते हैं एक बार में। आपको सारे पेज प्रिंट करने हैं तो ऑल पे क्लिक करेंगे, सिर्फ उस पेज पे प्रिंट करनी है जिस पेज पे आप काम कर रहे हैं तो पेज करंट पेज पे क्लिक करेंगे, और आपको किसी चुनिंदा पेजेस को क्लिक करना है तो पेज पे क्लिक करेंगे। नंबर ऑफ कॉपी मतलब आप कितने कॉपी चाहते हैं, 1, 2, 3, इस तरह से आप कॉपी बढ़ा सकते हैं, और इसे ओके जैसे ही करेंगे तो ये आपका प्रिंट आउट हो जाएगा। आपके पास अगर प्रिंटर है तो आप एक बार इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। मैं आपको प्रिंट करके अभी नहीं बता रहा हूँ, सेटिंग मैंने बता दिया, आप इस सेटिंग को फॉलो करेंगे। मैं इसे कट करता हूँ। पी के बाद क्यू से रीसेट जस्टिफाई। जी हाँ, मैंने जितनी भी चीज़ें सुधारी थी मैं उसे ख़राब करना चाहता हूँ, तो वापस से कंट्रोल क्यू। आप देख सकते हैं कि ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी है और यहाँ से के बाद की लाइन सीधी है ना। तो आपको समझ में आ गया, कंट्रोल जे और कंट्रोल क्यू दोनों इम्पोर्टेंट है। कंट्रोल क्यू हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपने कंट्रोल जे कर रखा है पहले से, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आर से राइट, कंट्रोल आर से राइट, एस से सेव, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे आपको ध्यान में रखना है। कंट्रोल एस से सेव, सेव को मैंने अच्छे से समझाया था अपने MS पेंट वाले वीडियो में, तो अगर आपने अभी तक MS पेंट की वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसमें समझाया है कि आप किस तरीके से टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। वीडियोस में व्यूज़ नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों, शायद आपको हमारे वीडियो पसंद नहीं आ रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे समझ में आए कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं और मैं थोड़ा सा और मोटिवेट हो सकूं, और आपको जल्दी जल्दी वीडियो बनाकर दे सकूं। फिलहाल कंट्रोल एस को समझते हैं, हमें ऑफिस बटन में जाना है और यहाँ पर सेव में क्लिक करना है। कंट्रोल एस से सेव होता है और सेव एज, ये दोनों चीज़ को हमें समझना है। मैं उसे अच्छे से समझा दिया था, फिर भी अभी एक बार समझा देता हूँ। कंट्रोल एस का मतलब सेव, जब आप किसी डॉक्यूमेंट को फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं, और सेव एज का मतलब भी सेव, लेकिन कब, जब आप किसी एग्जिस्टिंग फाइल यानी जो फाइल आपकी पहले से सेव है आप उसे सेव कर रहे हैं तो कंट्रोल एस का यूज़ नहीं करेंगे, सेव एस का यूज़ करेंगे। फिलहाल हम कुछ भी करें एक ही काम होगा, चूँकि हम नया डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो कंट्रोल एस दबाते हैं। सेव करते समय आपकी आपको दो चीज़ें पर ध्यान रखना है। पहला, आपकी लोकेशन, आप कहाँ सेव कर रहे हो, डेस्कटॉप पे, पिक्चर्स पे, या फिर सी ड्राइव में, या फिर किसी भी फोल्डर में, तो आप वहाँ पर उसे सेव कर सकते हैं। मैं फिलहाल डेस्कटॉप पे इसे सेव करता हूँ, डेस्कटॉप। और दूसरी चीज़, फाइल का नाम, फाइल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस चीज़ को आप जिस नाम से सेव करेंगे बाद में आपको उसको आपको ही खोजनी पड़ेगी, इसलिए ज़रूरी है। मैं आप लिखता हूँ शॉर्टकट की के नाम से मैंने इसे सेव कर दिया, ये हमारा फाइल सेव हो गया। अब हम इसे कट करते हैं तो ये डायरेक्ट कट हो गया, इसका मतलब ये हमारा फाइल सेव है। अगर ये सेव नहीं होता तो डायरेक्ट कट नहीं होता, उस समय क्या पूछता, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैंने उसे फिर से ओपन किया। अब मैं यहाँ पर कुछ भी एडिटिंग कर देता हूँ, ठक ठक मैंने 2 स्पेस दबा दिया। अब मैं इसे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ से पूछ रहा, डू यू वॉन्ट टू सेव द चेंजेस, मतलब आपने जो चेंजेस किया आप उसे सेव करना चाहते हैं। अगर यस करेंगे तो ये उसे सेव कर देगा, नो करेंगे तो सेव नहीं करेगा। तो फिलहाल मैं इसे नो करता हूँ, चूँकि हमें उसे सेव नहीं करना है। इसी चीज़ को आपको अगर दोबारा सेव करना है तो आप सेव एज का यूज़ करेंगे, जैसे मैं द किंग ऑफ इंडिया को रेड के जगह पर ब्लैक कर देता हूँ, और मैं इसे सेव करता हूँ। कंट्रोल एस दबाने से वो इसी पिक्चर इसी डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगी, इसलिए मैं सेव नहीं करूँगा, मैं सेव एज करूँगा। और आप देखेंगे डेस्कटॉप पे शॉर्टकट की 2 के नाम से मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब क्या हुआ, हमारे सामने 2 फाइल्स आ गई, एक शॉर्टकट की जिसपे लाल कलर से द किंग ऑफ इंडिया लिखा हुआ है
और दूसरा शॉर्टकट की टू जिस पे ब्लैक कलर से द किंग ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। तो आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि सेव और सेव एज का यूज़। आगे बढ़ते हैं हम एस के बाद टी, टी से टैब। टैब का यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ भी मैं आपको चलिए समझा देता हूँ, समझ लीजिए आप थोड़ा सा अच्छे से। अगर आप कुछ भी लिख रहे हो, सपोज दैट पॉइंट लिख रहे हो, आप अपने नोट्स तैयार कर रहे हो और आपको यहाँ पर लिखना है एक नंबर में नेम, नेम नहीं, चलिए एक नंबर हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ नेम लिखता हूँ। अगर आप अपना रिज्यूम भी बना रहे तो भी ये बहुत काम का चीज़ है। टैब से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, आप ये देखेंगे ऊपर जो रूलर है इसमें एक लाइन, एक नंबरिंग लिखा हुआ है, इस लाइन में 1 2 3 4 5 6, ये आपका हाफ हाफ इंच का टैब है। जैसे ही आप टैब बटन दबाते हैं कीबोर्ड से तो आपका ये रूलर घसकता है, यानी आपका कर्सर घसकेगा। आप देखेंगे टैब में जैसे ही दबाता हूँ तो मेरा कर्सर हाफ हाफ इंच करके घसक रहा है। मैं यहाँ पर एक साइन देता हूँ और फिर से टैब दबाता हूँ तो इस तरह से हम टैब का यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा जो भी मैटर है वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो, एक के नीचे एक हो। बहुत काम का चीज़ है ये। है ना, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, इस तरह से आप लिखेंगे तो आपका जो भी लिखावट है उसमें परफेक्शन आएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं टैब के बाद यू से अंडरलाइन। अंडरलाइन का यूज़ आपको पता चल गया, हम चाहते हैं कि इस पॉइंट को अंडरलाइन करना तो सीपी से सेलेक्ट करें, बोल्ड भी कर सकते हैं एंड यू भी कर सकते हैं और इस तरह से, इससे क्या हो जाएगा आपकी वो चीज़ लग रही है अब यहाँ ये एक पॉइंट है। हम यहाँ पर एक नंबरिंग दे सकते हैं, इसे वन नंबर यहाँ पे क्लिक करके टू नंबर इतना दूर अंडरलाइन कंट्रोल यू। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। यू के बाद वी, कंट्रोल वी से पेस्ट, हमने सीख चुका है कंट्रोल वी का यूज़, यानी कि आपको इसे कॉपी करना है तो राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं आप, आपको नीचे आना है कंट्रोल वी करिए या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट करिए, बात एक है। डब्ल्यू से होता है सिंगल विंडो क्लोज, जी हाँ, यानी कि आपके पास जो भी, देखिए अब हम कंट्रोल एस दबा रहा हूँ यहाँ पर, कंट्रोल एस जैसे ही दबाया तो अब जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें चेंज करी वो सब चेंज हो गई, इसी में सेव हो गई। कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है सिंगल विंडो क्लोज, आपके डॉक्यूमेंट में जितनी भी चीज़ें वो क्लोज हो जाएगी लेकिन एमएस वर्ड आपका बंद नहीं होगा। आप देखिए एमएस वर्ड खुला हुआ है, सिर्फ डॉक्यूमेंट बंद हो गई, तो कंट्रोल एन करने से एक न्यू डॉक्यूमेंट आ सकती है, कंट्रोल ओ करने से ओपन का बॉक्स खुलेगा, हमें कौन सा फाइल ओपन करना है डेस्कटॉप से शॉर्टकट की ओपन, आप देखिए ये वही फाइल ओपन हो गई जिस फाइल पे हम काम कर रहे थे। तो W का यूज समझ में आ गया। X से कट, यानी कि आपको अगर इसे कट करना है और नीचे डालना है तो इसे कट करिए और नीचे आकर पेस्ट करिए, कट और पेस्ट, कॉपी और पेस्ट, बस इतना सही खेल है। आगे बढ़ते हैं Y से रेडू, यानी एक स्टेप आगे आने के लिए, Z से अंडू, एक स्टेप पीछे जाने के लिए। तो कंट्रोल जेड दबाते हैं एक स्टेप पीछे चले गए, कंट्रोल वाई दबाते हैं एक स्टेप आगे आ गए। तो दोस्तों ये था हमारा शॉर्टकट की ए से जेड तक का, और इसके अलावा बहुत सारे शॉर्टकट की है जो मैं धीरे धीरे आपको वीडियोस के थ्रू समझाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपके किसी और फ्रेंड्स को भी हेल्प करे तो आप उसे शेयर ज़रूर करें। आपके अगर जितने भी सवाल है इससे रिलेटेड, इसके अलावा आप चाहते हैं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो बनाऊं, उस टॉपिक को लिख सकते हैं, मैं उस टॉपिक को जल्द से जल्द डील करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आप हमारे हिसाब से चलिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारे क्लासेस की वीडियो देता रहूँगा ताकि जो भी हमारा सिलेबस है जल्द से जल्द कम्प्लीट। सिलेबस डाउनलोड करना ना भूले। आपके घर में प्रिंटर है तो मैं तो
आपको बोलूँगा कि आप उसकी प्रिंट आउट निकाल कर रखें, वो ज़्यादा अच्छी है। नोट्स ज़रूर बनाइए। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1000 भूलना नहीं है, लाइक करना है। वीडियो पसंद आए तो, ना पसंद आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप लाइक मत करिए। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जेन्युइनली लाइक करें, ताकि मुझे भी पता चले और मैं भी थोड़ा सा और आपकी हेल्प इसी तरह से कर सकूँ। तो फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत कुछ सीखेंगे। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारे लिंक मिल जाएंगे हमारे पिछले क्लासेस की, तो आप उसे देख सकते हैं लिंक में जाके। लिंक में आपको नोट्स मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड करिए और देखते रहिए, सीखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।